ये परीक्षार्थी गण, जो भी आप परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप अथक परिश्रम करें, आप सफलता अवश्य हासिल करेंगे। मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूं और आपको सेवा दे रहा हूं और देता रहूंगा। तो देखें, आज आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए लेकर उपस्थित हूं लेखक, उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक जो हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चे, सभी चीजें हर किताब में होती है, सभी चीजों को हर शिक्षक जानते हैं, सभी चीजों को हर कोई पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने की कला अपनी अपनी होती है। और हर शिक्षक चाहते हैं कि जितना अधिक हम समझा सके, विद्यार्थी जितना पकड़ सके उतना अच्छा है। तो उसी क्रम में हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना अच्छा समझा लूं और आप जितना पकड़ लें, उसके लिए मैं रात में अथक परिश्रम करके आपके लिए रोज एक टॉपिक ला रहा हूं। आप देखें और उसको थोड़ा सा गौर उस पर करेंगे तो अवश्य आपको याद हो जाएगा, आसानी से याद होगा। हर पुस्तक में है, फिर भी सजाकर मैंने आपके पास लाया। पहला है कालिदास। कालिदास की कौन कौन सी पुस्तक है, किन किन पुस्तकों को कालिदास ने लिखा, तो आप हर किताब में देखे हैं और आपको लगभग याद भी होगा, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं। तो आपकी भूल को दूर करने के लिए मैंने कालिदास की सभी पुस्तकों को एक बार में ही ट्रिक के रूप में लिया। मैंने अकुर में एक जो है शब्द बनाया, इन शब्द में जो भी अक्षर हैं उन सभी अक्षरों से हम अलग अलग जग लेंगे तो उनके सारे पुस्तकों का नाम आ जाएगा। जैसे अ है तो अ से हमारा बना है अभिज्ञान शाकुंतलम, और कु से कुमार संभवम, र से रघुवंशम, और मे से मेघदूतम। अब प्रश्न रहा कि यह बिना याद किए हुए तो नहीं होगा, अगर अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं हम सर जानते होंगे तो और से कैसे समझ आएंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम होगा। सही बात है, आपको एक बार पुस्तक के नाम तो जरूर याद करना होगा, और एक बार आप याद कर भी चुके होंगे 8, 9, 10 में, चाहे इंटर करने के बाद या बीए करने के बाद याद कर गए होंगे, लेकिन आप भूल जा रहे हैं। तो आपके भूल को दूर करने के लिए मैंने ऐसा किया, आपको तो यह नाम पहले एक बार याद करना ही होगा, सभी नाम को एक बार याद करना होगा। जब याद अगर किए हैं और जब भूल रहे हैं, और एक शब्द जब ये कोई कहा तभी आपको याद पड़ जाता है। जैसे आप ड्रामा खेलते हैं, आपको पार्ट याद है, और जब कहीं भूलते हैं तो पीछे से डायरेक्टर जब ही आपको हिंस देते हैं आप पकड़ लेते हैं। ठीक वही हिंस का काम आपका एक ट्रिक करेगा। आपको तो पार्ट याद करना होगा, जब आप पार्ट याद कर लीजिएगा और जब यह हिंस आपको मिलेगा, यह हिंस आपको शॉर्टकट में आपको याद रहेगा कि कालिदास अंकुर में, तो जब ही आपको याद पड़ेगा कालिदास अंकुर में, तो आपको यह पूरा राउंड याद पड़ जाएगा कि अ से अभिज्ञान शाकुंतलम होता है, और कु से कुमार संभवम होता है, और र से रघुवंशम होता है, और मे से मेघदूतम होता है। इस तरह से प्रिय बच्चे, आपको एक बार पाठ याद करने की जरूरत है ड्रामा जैसे, और उसका मेन पात्र परिचय यह है। पात्र परिचय से ही आप अपना पूरा परिचय प्रेमचंद्र के दे सकते हैं। जैसे प्रेमचंद्र प्रेम कर गो सेवा से,
प्रेम कर गो सेवा से प्रेमचंद्र से संबंधित सभी किताबों का मैंने एक शब्द में लिया, एक वाक में लिया, प्रेम कर गो सेवा से, यानी गाय की सेवा करो और उनसे प्रेम करो। और प्रेमचंद्र जब भी पूछा जाए कि प्रेमचंद्र की कौन सी किताबें हैं या मानसरोवर किनकी किताबें हैं, तो जब भी आपको याद पड़ेगा कि प्रेम कर गो सेवा से और इतनी जो किताबें हैं प्रेमचंद्र का है, तो इसमें आपको याद पड़ जाएगा, आप आसानी से बना लेंगे। प्रे प्रे से प्रेम पचीसा, म से मानसरोवर, क से कफन करवाला, और र से रंगभूमि, गो से गोदान, सेवा से सेवा सदन, का से कामायनी। इनकी जो है गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि और कामायनी, ये सभी इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तकें हैं। तो प्रिय बच्चे, ये एक बार आपको याद करना है, और यह जब याद होगा तो जीवन भर यह याद होगा। इसलिए आपको यह अपनी रोल, अपनी पार्ट, ड्रामा जैसे तो याद एक बार करना होगा, लेकिन आपको जब ही यह अनाउंसर याद पड़ जाएगा, यह जो है ना आपको जब याद पड़ जाएगा, हिंस की महादेवी ब्रह्मा से संबंधित मेरा त्रिक है अनीशा यानी दीप, अनीशा यानी दीप। आप यही सुने सुनाए अपने दोस्तों में कि कालिदास का त्रिक क्या है तो अकुर में, प्रेमचंद्र की ट्रिक क्या है तो प्रेम गौ सेवा से, प्रेम कर गो सेवा का। महादेवी वर्मा का ट्रिक क्या है, अनीशा यानी दीप, अनीशा यानी दीप। प्रिय बच्चे, अ से अतीत के चलचित्र, अ से अतीत के चलचित्र, नी से निर्जा, सा से सांध्र गीत, या से यामा, नी से निहारिका, दीप से दीपशिखा। प्रिय बच्चे, मैं इसमें पूर्ण तो नहीं हूं और ना किसी किताब में इस तरह से है, यह आपको हर किताब में मिलेगा, हर जीके में मिलेगा, लेकिन यह मैंने अपना से बनाया है, मेहनत करके बनाया है, तो आपके लिए बनाया है, आप इसे पकड़ें और सफलता हासिल करें। तो महादेवी वर्मा का ट्रिक है मेरा अनीशा यानी दीप, अनीशा यानी दीप महादेवी वर्मा से संबंधित है। आप अपने दोस्तों में यही सुनाएं, यही याद करें, और यह याद हो जाएगा तो यह आपको आ जाएगा कि अ से अतीत के चलचित्र, नी से निर्जा, सा से सांध्य गीत, या से यामा, नी से निहारिका, और दीप से दीपशिखा। प्रिय बच्चे, इस तरह से मेरा जो है महादेवी वर्मा का ट्रिक हुआ अनीशा यानी दीप। चौथा मेरा जो है लेखक हुए मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की ट्रिक है भाषाएं, मैथिली शरण गुप्त की ट्रिक है भाषाएं, भाषाएं से भा से मेरा बनेगा भारत भारती, सा से बनेगा साकेत, यह से बनेगा यशोधरा, यानी मैथिली शरण गुप्त की साकेत और यशोधरा सबसे प्रमुख ग्रंथ है, सबसे प्रमुख इनकी की पुस्तकें हैं। तो मैथिली शरण गुप्त से प्रिय बच्चे कहने का अर्थ है कि आप अपने दोस्तों में यही सुनाएं, आप उनसे पूछे कि मैथिली शरण गुप्त की ट्रिक क्या है, तो उधर से आप बोले कि भाषाएं, या भाषाएं किनकी ट्रिक है, तो मैथिली शरण गुप्त की, यही याद करें, और उसके बाद में यह अपने आप आपसे हो जाएगा। एक बार किताब के नाम याद रखिए, जीवन भर आपको याद होगा। तो देखिए, राम बिरिच बेनीपुरी, राम बिरिच बेनीपुरी की कौन कौन सी पुस्तकें हैं, तो प्रिय बच्चे राम बिरिच बेनीपुरी की पुस्तकों को हमने सजाया आगे माप, आगे माप एक शब्द बनाया जिसमें आ से आम्रपाली, गे से गेहूं और गुलाब, मां से माटी की मूर्ति, और पर से पतियों का देश। प्रिय बच्चे, आ से आम्रपाली,
गे से गेहूं और गुलाब, माँ से माटी की मूर्ति, प से पट्टियों का देश। प्रिय बच्चे, किताब में भी आप जीके में देखेंगे तो ये सभी किताबें उल्टी पुल्टी है। कहीं गेहूं और गुलाब पहले है, बाद में हमने पाली है, माटी की मूर्ति बाद में है, पटिया के देश बाद में है। लेकिन सजाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। मैंने आपके लिए मेहनत किया है कि किस शब्द को पहले रखूं, किस किताब को पहले रखूं, ताकि कोई शब्द बन जाए और वह शब्द हल्का हो, याद रहे जीवन भर। तो देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी का ट्रिक है, आगे माप, आ से आम्रपाली, गे से गेहूं और गुलाब, माँ से माटी की मूर्ति, प से पतियों का देश। इस तरह से प्रिय बच्चे, मेरा छठा लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक के जो जो है उनको मैंने सजाया। उरेगी हांस कुहूर, उरेगी हांस कुहूर कुहूर के आगे जो आप रखिए, उरेगी हांस कुहूर कुहूर के, यानी हांस उड़ रहा है। तो यह याद करने की, अपनी बैठाने की एक शैली है जो शब्द हल्का बने। तो रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तकों को मैंने सजाया उरेगी हांस कुहूर, यानी ऊ से उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर की सबसे जो है बीबीआई पुस्तक है, सबसे प्रचलित विख्यात पुस्तक है उर्वशी। ऊ से उर्वशी, रे से रेणुका, गी से गीत, हा से हारे को हरिनाम, हा से हारे को हरिनाम, स से संस्कृति के चार अध्याय, स से संस्कृति के चार अध्याय, कु से कुरुक्षेत्र, हु से हुंकार, र से रश्मि रथी। यानी प्रिय बच्चे, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, हुंकार और उर्वशी, इनकी चार किताबें सबसे इंपॉर्टेंट किताबें हैं। और सभी किताबों को हमने सजाया पूरे इतिहास कुहूर कुहूर के, यानी ऊर से उर्वशी, रे से रेणुका, गी से गीत, हा से हारे को हरिनाम, स से संस्कृति के चार अध्याय, कु से कुरुक्षेत्र, हु से हुंकार, र से जो है रश्मि रथी। प्रिय बच्चे, मैंने इस तरह से अगला लिया ट्रिक रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल भी एक जो है बहुत ही विख्यात कवि है, लेखक है, जिनके किताबों को मैंने लिखा रचित्री, रचित्री यानी रचित्री में तीन अक्षर है, रचित्री, र से रसमीमांसा, ची से चिंतामणि, त्री से त्रिवेणी। प्रिय बच्चे, मैंने रामचंद्र शुक्ल जी की लिखी हुई पुस्तकों को रचित्री से संबोधित किया, रचित्री से, र से रसमीमांसा, ची से चिंतामणि, त्री से त्रिवेणी। इसमें कौन किताब को पहले रखेंगे ताकि शब्द बने, सार्थक बने, हल्का बने, तो आप याद करेंगे रामचंद्र शुक्ल से संबंधित ट्रिक है रचित्री। आप अपने दोस्तों में अगर कहीं पर ग्रुपिंग कर रहे हैं और एक दिन रखिए कि कल जो है ना सब कुछ जो है लेखक और पुस्तक के नाम हम लोग याद करके आए, और याद करके जब आएंगे आप लोग तो आपस में पूछे कि रामचंद्र शुक्ल की कौन कौन सी पुस्तकें हैं, तो अगर आपको याद रहेगा रचित्री तो आप आसानी से कह देंगे रसमीमांसा, ची से चिंतामणि, ती से त्रिवेणी। इस तरह से प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थी, आप ग्रुपिंग में, समूह में एक जगह होकर आप तैयारी करें, आपकी तैयारी और आगे भागेगी और आपकी तैयारी में मैं हमेशा मदद करता रहूंगा। आगे देखे सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंद पंत की जो है किताब बहुत सी है, जिस किताब को मैंने एक शब्द में सजाया स्वयुग गुप्ता, स्वयुग गुप्ता एक शब्द बनाया, स्वयुग गुप्ता, स्व से स्वर्ण भूमि, यु से युगवाणी, ग से ग्राम्या,
गू से गुंजान, प से पल्लव, ता से तारापट। यानी कौन किताब का नाम पहले रखेंगे और कैसे शब्द बनेगा यह मेहनत करने की जरूरत है, और मैंने आपके लिए मेहनत किया। तो सुमंत्रानंद पंत से संबंधित मेरा ट्रिक है स्वयुग गुप्ता। स्वयुग गुप्ता में स्व से स्वर्ण धूलि, यु से युगवाणी, ग से ग्राम्यात, गु से गुंजान, प से पलव, ता से तारापट। इसमें आपको युगवाणी, ग्राम्या, गुंजान, पलव सबसे जो है अधिक इंपॉर्टेंट पुस्तक है, फिर भी हमें सब याद रहे तो और अच्छा है। प्यारे बच्चे आगे देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी, त्रिपाठी जी की तीन पुस्तकें हैं जिसको मैंने अकूप से दर्शाया। अकूप भी शब्द है, अकूप से दर्शाया और से अनामिका जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है, और परिमल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अ से अनामिका, कु से कुकुरमुक्ता, प से परिमल। अगर एक बार आप याद कर लीजिए अनामिका, कुकुरमुक्ता, परिमल, उसके बाद जीवन भर याद रखिए, अकूप आप भूलेंगे नहीं। जब ये याद पड़ेगा सूर्यकांत त्रिपाठी से संबंधित ट्रिक अकूप, तब पटापट याद हो जाएगा अ से अनामिका, कु से कुकुरमुक्ता, प से परिमल। सूरदास, सूरदास से संबंधित मेरा हुआ सूर साहित्य, सूर से सूर सागर, साहित्य से साहित्य लहरी, इनका दोनों किताब जो है इंपॉर्टेंट है। सूर साहित्य सूरदास की ट्रिक है, सूर साहित्य सूरदास की ट्रिक है, अकूप सूर्यकांत त्रिपाठी की ट्रिक है, स्वयुग गुप्ता सुमंत्रानंदन पंत की ट्रिक है। इस तरह से आप याद करेंगे इधर से। तो अमृत लाल नागर की जो है ट्रिक है असुमा अविख, असुमा अविख किनकी ट्रिक है, तो अमृत लाल नागर का। प्रिय बच्चे इधर से याद करेंगे और पूछेंगे अपने दोस्तों में कि असुमा अविख किनकी ट्रिक है, तो अमृत लाल नागर की। किनकी पुस्तक है, तो अमृत लाल नागर की। अ से अमृत और विष, सु से सुहाग के नुपुर, मा से मानस का हंस, अ से अग्नि गरबा, वी से बिखरे मोती, आ ख से खंजन नयन। इस तरह से आपको प्यारे बच्चे याद करने की जरूरत है। अगला मेरा पॉइंट है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिचंद्र का ट्रिक है सत्य प्रेम भारत, भारत से सत्य रूप में प्रेम करो। अर्थात सत्य प्रेम भारत किनकी ट्रिक है, किनकी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। सत्य प्रेम भारत भारतेंदु हरिचंद्र की ट्रिक है, सत्य से सत्य राजा हरिश्चंद्र उनकी पुस्तक का नाम है, प्रेम से प्रेम माधुरी, और भारत से भारत की दुर्दशा, भारत दुर्दशा। तो भारत दुर्दशा, प्रेम माधुरी और सत्य राजा हरिचंद्र किनकी पुस्तक है, तो भारतेंदु हरिचंद्र की। धर्मवीर भारती की क्या ट्रिक है, कर्ण गुण अंध सूरज, कर्ण गुण अंध सूरज एक शब्द है, आंख है, कर्ण गुण अंध सूरज किनका ट्रिक है, तो धर्मवीर भारती का। कर्ण से कर्ण प्रिया, गुण से गुनाहों का देवता, अंध से अंधा युग, और सूरज से सूरज का सप्तमा घोड़ा। प्रिय बच्चे इनके गुनाहों का देवता अंधा युग बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो कर्ण से कर्ण प्रिया, गुण से गुनाहों का देवता, अंध से अंधा युग और सूरज से सूरज का सत्वा घोरा। इस तरह से कर्ण युग, कर्ण गुण अंध सूरज किनका त्रिक हुआ, तो धर्मवीर भारती का। हवि डोकरा, हवि डोकरा तुलसीदास की ट्रिक है, तुलसीदास के किताबों को मैंने हवि डोकरा से संबोधित किया। हवि डोकरा किनकी पुस्तकों की सूची है, तो तुलसीदास की। ह से हनुमान चालीसा, ह से हनुमान चालीसा, और वी से विनय पत्रिका,
और दो से दुहावली, क से कवितावली और र से रामचरितमानस। प्रिय बच्चे, मैंने आपको तुलसीदास की पुस्तकों को हवि डोकरा से संबोधित किया। हवि डोकरा ऐसा शब्द है जिससे तुलसीदास की सभी पुस्तकों का नामकरण हो जाता है, जैसे ह से हनुमान चालीसा, वी से विनय पत्रिका, दो से दोहावली, क से कवितावली और र से रामचरितमानस। आपको पहले या रटे हुए भी होंगे, आप लोग भूल जाते होंगे, लेकिन भूल को दूर करने के लिए मैंने यह ट्रिक अपनाया। प्रिय बच्चे, मैं कोशिश करूंगा कि हर विषय में आपको बतलाऊं। देखिए अगला है हरिवंश राय वचन। हरिवंश राय वचन का ट्रिक है नी मधु त्रि। नी मधु त्रि यानी नी आ मधु तीन गो। नी मधु त्रि, नी मधु त्रि यानी नी से निशा निमंत्रण, नी से निशा निमंत्रण और मधु तीन बार है। प्रिय बच्चे, तो मधु से मधु वाला, मधुशाला, मधु कलश, यह इनकी तीन पुस्तकें हैं जो म से है, इसीलिए मैंने नी मधु त्रि बतलाया, यानी नी मधु त्रि यानी नी से निशा निमंत्रण, मधु से मधु वाला, फिर मधु से मधु कलश, मधु से मधुशाला, इसलिए मैंने शब्द बनाया, त्रिक बनाया नी मधु त्रि। प्रिय बच्चे, आज का लास्ट है जय शंकर प्रसाद। जय शंकर प्रसाद जी की जो है बहुत सारी पुस्तकों हैं, पुस्तकें हैं जिसको मैंने सजाया आ आ ध्रुव चंद्र प्रेम कंटिका। आ आ ध्रुव चंद्र प्रेम कंटिका, मैंने इनकी सारी पुस्तकों को समेट दिया। आ आ ध्रुव चंद्र कंटिका, आ आ ध्रुव चंद्र प्रेम कंटिका यानी आ आ, आ से आंसू, आ से आकाश दीप, ध्रुव से ध्रुव स्वामी, चंद्र से चंद्रगुप्त, प्रेम से प्रेम पटीक, कर्ण से कंकाल, टी से तितली और का से कामायनी। कामायनी इनकी बहुत जो है प्रसिद्ध रचना है प्रेमचंद्र की। तो इस तरह से प्रिय बच्चे आपको जय शंकर प्रसाद का त्रिक हुआ आ आ ध्रुव चंद्र जो है प्रेम कंटिका, यानी आ से आंसू, आ से आकाशदीप, ध्रुव से ध्रुव स्वामी, चंद्र से चंद्रगुप्त, प्रेम से प्रेम पटीक और कर्ण से कंकाल और टी से तितली, का से कमायनी। इस तरह से जय शंकर प्रसाद की जो है भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किताब है कामायनी और प्रेम पथिक। प्रिय बच्चे, इस तरह से मैंने आज बहुत सारी पुस्तकों के नाम और उनके लेखक के नाम बतलाया और आशा है कि आप इसको आसानी से याद करेंगे। याद करने के बाद आप जो है उसको रिवाइज करेंगे, अपने दोस्तों में ग्रुपिंग करेंगे और एक दूसरे पूछेंगे। सबसे अच्छी तैयारी होती है समूह की तैयारी, एक जगह ग्रुपिंग करना। हर शहरों में लोग करते हैं तो हम देहात में क्यों नहीं करेंगे, देहात में भी है तो हम करेंगे। ग्रुपिंग करें, 10-20 लड़के एक जगह बैठे, लड़कियां एक जगह बैठे, पूछताछ एक दूसरे में करें। इस तरह से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, हम भी आपको मदद करते रहेंगे। जहां भी आपको दिक्कत हो प्यारे बच्चे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या 99-397-18-416 पर भी पूछे। हमें ना भी याद होगा तो हम आपसे वक्त लेंगे, किसी न किसी किताब से खोजकर एक दो रोज में जरूर बतलाएंगे और मैं अपनी तोहनी नहीं समझेंगे, क्योंकि जिंदगी भर सीखना मानव का सबसे बड़ा धर्म होता है। प्यारे बच्चे, अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप हमारी मदद करें, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।